हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? सब लोग अच्छी होंगे यही आशा करती हूँ, और हम सब भी बहुत ही अच्छे। वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का संडे है, और संडे के दिन हम करिया को नहलाते हैं। तो करिया अभी अपना बाथ ले रहा है, संडे स्पेशल बाथ। तो अभी इसको नहला के हम आगे के संडे के काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का संडे कैसा गुजरने वाला है हमारा। हेलो मास्टर शेफ, तो आज संडे है और राज हमारे लिए लंच की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे छुट्टी है ऐसा लगता है, किचन से छुट्टी है मुझे। रोटियां कौन पकाने वाला है? मेरी बच्चों की माँ। मेरी बच्चों की माँ जानू तो बना रही, आटा गूंद रही है फिलहाल, तो रोटियां मुझे ही पकानी है। और जैसे कि करिया नहा चुका है, आप देख सकते हो सॉरी करिया अभी क्या ले रहा है, सनबाथ ले रहा है। ये देखिए करिया, हाय, लुकिंग फ्रेश एंड वेरी ब्लैक, शाइनी शाइनी ब्लैक। करिया, आपको कुछ कहना है? आज आप नहाए हो संडे के दिन। करिया से हाय। आज पापा जी खाना बना रहा है, ये उसकी खुशी ने कितनी हुई। तो पहले गया इलायची, और ये कांदा क्यों पड़ा थोड़ा? वो हाथ से गिर गया। अच्छा कोई बात नहीं, फिर गिरी दालचीनी, फिर और क्या? मास्टर शेफ बताइए। अब गया प्याज। हम बाय द वे, आप क्या बना रहे हो मेरे व्यूवर्स को पहले वो बताओ। अदरक नहीं, सरप्राइज है, सरप्राइज पैकेज में पता चलने वाला है। अभी लहसुन भी गया इसमें बाय द वे, और अब इनको भुना जा रहा है। यहाँ पे अंडे उबल रहे, मेरे व्यूअर्स ने देख लिया है तो उतना तो वो समझ चुके होंगे कि क्या बन रहा है। और तैयारी तो राज ने बढ़िया की है, सब कुछ एकदम मास्टर शेफ की जैसे। तो मास्टर शेफ आप खाना पकाओ, मुझे कपड़े सुखा के आने। बाय बाय। पसीने छूटे क्या? कुट रहे अदरक। मुझे काम पे लगाया है यहाँ पे मास्टर शेफ ने, असिस्टेंट बना दिया मुझे। मैं असिस्टेंट हूँ, मुझे पगार कितना मिलेगा आज के दिन का? दो हफ्तों का खाना। तो तू दो हफ्ते खाना बनाने वाला है? मैं पूरा आपका काम कर दूंगी सर, अगर आप दो हफ्तों के लिए खाना बनाओगे। आपको क्या चाहिए? बस ऑर्डर दीजिए। बस लहसुन के छिलके निकाल के दे दो। okay, मुझे भी नहाना भी है यार, मैं नहा के आती हूँ पहले। अभी जो तूने लहसुन लिया ना, वो कहीं पे भी नहीं लगेगा। अभी और चाहिए? हाँ, टेस्ट आना चाहिए ना। टेस्ट में इंग्रेडिएंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स होते हैं, जैसे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं ऐसा खाना पकता है। ये किसकी तैयारी चल रही है बाय द वे? उसकी तो ग्रेवी की तो हो गई ना। ये किसकी? खुशका भी बन रहा है। तो आज हमारा, मैं आपको मैंने बता दूं, एग शेरवा ना, एग मसाला, एग कुरमा, एग शेरवा, या हुगली में एग शेरवा बोलते हैं। हाँ, तो एग शेरवा बन रहा है, और रोटियां मैं पकाने वाली हूँ, और फिर खुशका बन रहा है। राज खुशका बना रहा है। वो एक मसाले वाला चावल होता है जो एग शेरवा के साथ बहुत अच्छा लगता है। और प्रिपरेशन के लिए मुझे खड़ा कर दिया है राज ने, लहसुन छिलने। अरे यार, एक लहसुन तो छिलका निकाल के दिया, तो वो क्या हो गया? प्रिपरेशन के लिए खड़ा कर दिया। देखो कैसा लगता है जब कोई क्रेडिट ले लेता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं बच्चों के लिए खाना पका रहा हूँ। अच्छा, ऐसे बच्चे खाने वाले? बच्चों की माँ नहीं खाएगी? उसके साथ उसको भी मिल जाएगा मुफ्त में। मुफ्त में बच्चे की माँ को, विदाउट, बिकॉज ऑफ बच्चे, बच्चे की माँ को खाना मिलने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ, पहले पूरा साफ करेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत मैस हो रखा है, इसको क्लीन करने के बाद आपसे मिलते हैं। और ये जो एग मसाले का, जो एग शेरवा के लिए जो मसाला बना के रखा था, अब ये पूरा ठंडा हो चुका है। अभी इसको ग्राइंडर में डाल के हम बारीक पेस्ट कर लेंगे, फाइन वाला। तो ग्रेवी के लिए ये एग शेरवे के में क्या क्या है? ड्राई कोकोनट, कोतंबीर, पुदीना और
बस पानी थोड़ा उतना ही। ये किस लिए? वो भी ग्रेवी के लिए। इसके लिए ग्रेवी के लिए। अच्छा तो ये एक ग्रेवी के लिए मसाला रेडी है, अभी एक रेडी होने वाला है। तो हमने मसाला जिसमें भुना था उसी बर्तन में हम बना रहे हैं क्योंकि उसका फ्लेवर उसमें देता है। अभी बनेगा एग शेरवा। तो ऑयल गया सबसे पहले। आज संडे है ना इसलिए जल्दी भूख लग गई। तो प्याज भून रहे हैं, उसके बाद क्या क्या जाएगा? थोड़ा गरम मसाला, चिकन मसाला है क्या? है, एक मिनट देती हूँ। तो अभी ये जो गया है वो सूखा नारियल, पुदीना और धनिया का पेस्ट। इन्हें मसाला ले। लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बैडगी मिर्ची। बैडगी मिर्ची, हाँ हमारा बैडगी मिर्ची है ना। बहुत तीखा होता है ये, बहुत तीखा। नहीं रे, मैं अभी दो तीन दिन से देख रही हूँ ना, हमने जब नया जो निकाला है अभी हमने, वो आंध्रा का जो बैडगी खड्डी का होता है हाँ। तो वो तीखा होता है। नहीं लेकिन इस बार अपना खरपुड़ी थोड़ा सा तीखा है। और ये जो हमने सारे मसाले भून के रखे थे उसका पेस्ट। क्या करी है? अभी थोड़े से अंडे को हम इस तरह से स्लिट करेंगे ताकि जो ग्रेवी है उसके अंदर निकल जाए। इस तरह से हमें स्लिट करना है। मसाले ने तेल छोड़ना शुरू किया है। अरे नहीं नहीं बस अभी दो मिनट छोड़ उसको पकने दे। सबसे फेवरेट पार्ट बटर, अमूल बटर जाएगा अभी इस ग्रेवी में। डालो डालो भर भर के बटर डालो। खुशका भी रेडी हो गया है और अभी अंडे की ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। अभी हम पकाएंगे रोटियां। मेरी गुडराज इतने प्यार से अंडों को अंदर डाल रहे हैं ना। और जाएगा हरा धनिया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है राज एग शेरवा, खूबसूरत नजर ना लगे। लास्ट में और एक चीज है, इसको नींबू डालना है। नींबू नहीं छोड़ेंगे बाद में पकने के बाद। तो चलिए अभी खाना तो पक चुका है, अभी हम रोटियां पकाएंगे और जल्दी से खाना खा लेंगे। उबल गया तो अभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो कुकर में तेल गर्म हो चुका है और मसाले दिखा दे पहले। वाह हाँ, अभी ये सारे खड़े मसाले जाएंगे। सबसे पहला जाएगा शाजीरगी, मतलब शाही जीरा, शाहजीरा। उसके बाद इलायची, इलायची हाँ इलायची। और ये क्या था, अभी दालचीनी, तेजपत्ता। तेजपत्ता को तोड़ दिया तूने, माय गॉड उड़ गया। सारे खड़े मसाले जा रहे। ये खुशके की तैयारी है बाय द वे। हाँ खुशबू तो बढ़िया है। अदरक नहीं जाएगा उसमें? अदरक, लहसुन, ये भी लहसुन और सभी चीजें, ये मसाले जो होते हैं ना धीमी आंच में पकना चाहिए। धीमी आंच में पकने चाहिए तो उसका फ्लेवर आता है। आप गैस और जोर करके कोई चीज पका दोगे ना तो जल जाएगा, उसका फ्लेवर ही नहीं आएगा। हम ऑलमोस्ट जब भी मसाले पकाते हैं तो हम धीमी आंच पे पकाते हैं ताकि उसका फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से निखर के आए। तो अभी इनको पकने देंगे। और कुछ डालना है उसमें? पुदीना भी डाल देगा। पुदीना
टमाटर पे जाता है खुशके में, उसका थोड़ा खट्टापन आना चाहिए ना। तो अभी थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर चिक्कू उठ गई। चिक्कू बोल रही गुड मॉर्निंग, दोपहर में हो गई है चिक्कू की दूसरी नींद हो गई। थोड़ा सा गरम मसाला हल्दी है में, पुदीना भी डाला गया है और अभी कोतम्बीर धनिया 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 को भी डाल दिया है। ठीक है, 2 मिनट के लिए बंद कर दिया, खोल दिया। अभी इसमें जाएंगे चावल। अरे पानी उबलना चाहिए ना। हाँ। पानी गरम करके डाल देना। नहीं डालो, तभी ये पानी जब उबलेगा तब इसमें जाएंगे चावल। तो हम और फिर एक सीटी बस ना, एक सीटी बस हो जाएगी क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी भिगो के रखा है चावल को, फिर बनेगा अपना खुशका। लिड को बंद कर दो। हाँ, खुशबू मस्त आ रही है। अभी इसमें जाएंगे चावल। बढ़िया, एकदम बढ़िया। वो डाल के सारे चावल देख रहा हूँ। नहीं डाल डाल, चलेगा, पकड़ेगा, वो बहुत है मसाला। तो ये हमारा खुशका रेडी हो गया है, स्पेशल इफेक्ट हमारा धनिया, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, पक्का भी मस्त है ना। बंद कर दे, बंद कर दे। तो चलिए बाबा रोटियां पका देते हैं। चालू किया। देखिए हमारी आज की संडे स्पेशल थाली तैयार हो चुकी है और थाली लगाई भी राजी ने है। वाओ, ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, संडे का खाना हो चुका है, कुछ ज़्यादा ही खा लिया मैंने, बहुत मस्त हुआ था एग शेरवा एंड खुशका। बट पार्लर जाना है, सोचा था थोड़ा और सो जाऊंगी। एक्चुअली सुबह हमने नाश्ता करने के बाद थोड़ी सी नींद कर ली थी सबने, संडे की नींद, बट अभी मुझे जाना है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स है पार्लर में, तो आई हैव टू गो नाउ। तो राज तो अभी फ़िलहाल रेस्ट कर रहे हैं, अगर उनको कॉल आए तो वो भी जाएंगे, अगर नहीं तो नहीं। तो मैं अभी अकेली निकल रही हूँ रेडी होके, क्योंकि मेरी क्लाइंट ने कॉल किया था और 20 मिनट्स में वो पहुँच रही है वहाँ पर। अभी मेरा पार्लर भी घर से थोड़ा दूर ही होता है, तो चल के जाने में 10 मिनट तो चाहिए। तो मैं अभी निकलूँगी, पार्लर वगैरह क्लीन कर लूँगी, तब तक वो आ जाएगी। क्यों मतलब हो रही हूँ एंड मैं भी निकलूँगी। मुझे एक्चुअली बहुत लोगों ने पूछा कि आप कौन सी काजल यूज़ करते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। लैक्मे आइकॉनिक यूज़ करती हूँ मैं। तो यही काजल यूज़ करती हूँ मैं और पिछले कुछ 8-9 महीनों से मैं इस काजल को यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा रिजल्ट। तो मैं निकल चुकी हूँ पार्लर के लिए, राज अभी तक घर पर ही है, उनका पता नहीं है, उनका कुछ गारंटी नहीं है जाना, अगर गए तो मुझे कॉल करके निकलेंगे, अगर नहीं गए और मेरा काम जल्दी हो गया तो मैं वापस घर जल्दी आ जाऊँगी, तो आपसे वापस घर पर मिलूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे। और आज एक्चुअली हमारे घर के ओपनिंग के एग्जैक्ट 1 मंथ हुआ है, आज ही के दिन हमने ओपनिंग की थी और आज ही के दिन हम इस घर में आए थे। संडे ही था, उस दिन भी 6 तारीख थी और आज भी 6 तारीख है और संडे है, तो एग्जैक्ट 1 मंथ हो गया हमें इस घर में आके। और 1 महीना कैसे गया पता भी नहीं चला ना, सच्ची में 1 महीना हुआ ये बात हजम ही नहीं हो रही है।
अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी हुए होंगे एक हफ्ता, रोज मेहमान आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि रोज मेहमान आ ही रहे तो हमको बुलाने को नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि हमारे ओपनिंग बहुत शॉर्ट टाइम में हमने फिक्स की थी और बहुत जल्दी जल्दी में हमें ओपनिंग करना पड़ा था, तो बहुत सारे मेहमानों को हम नहीं बुला पाए थे जो अभी आ रहे धीरे धीरे रोज। तो हमको लग ही नहीं रहा है कि हम एक महीना हो चुका है, बट खुशी खुशी से गुजरा एक महीना और पूरी जिंदगी इसी तरह से खुशी से गुजरे, आपका साथ यूं ही बना रहे, बस यही हमारी आपके पास प्रार्थना है और इसी तरह से प्यार आपका हमारे साथ लगा रहे। तो इसी बात के साथ हम आज का व्लॉग खत्म कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपसे हम कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग में या किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।